शिक्षकों को फिनलैंड भेजने पर अड़ी केजरीवाल सरकार। सिसोदिया ने जल्द फाइल पास करने के लिए एलजी को लिखी चिट्ठी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजने की मांग पर अड़ी है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अनुमति के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को कई बार पत्र लिखा है। बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से मंगलवार यानी कि 31 जनवरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की अनुमति के लिए पत्र लिखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं माननीय एलजी से आग्रह करता हूं कि हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाए। माननीय एलजी ने खुद कहा कि वह इसके खिलाफ नहीं है। सिसोदिया ने कहा, दिल्ली सरकार के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की फाइल 20 जनवरी से एलजी साहब की टेबल पर अटकी पड़ी है। मैंने उनसे पुनः अनुरोध किया है कि इस पर जल्द अपनी सहमति दे। फाइल रोकने और घुमाने के चक्कर में ट्रेनिंग का अगला राउंड भी रद्द होने की कगार पर है। शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग पर भेजने को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। केजरीवाल सरकार का एलजी पर आरोप है कि वह सरकार के काम में रोड़ा अटका रहे हैं। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मैंने शिक्षकों को फिनलैंड भेजने से मना नहीं किया है। शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग पर भेजने के मुद्दे को लेकर सीएम केजरीवाल अपने विधायकों के साथ एलजी से मिलने उनके आवास पर गए थे। हालांकि एलजी से बिना मुलाकात के ही अरविंद केजरीवाल वापस लौट आए। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।